भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के उस दावे को खारिज किया है जिसमें आईएमएफ ने कहा कि आरबीआई करेंसी मार्केट में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है। आईएमएफ ने आरबीआई की को ये कहते हुए आलोचना की थी कि अपने प्रभाव से करेंसी की दरों में प्रभावित करते हैं। इस दावे को खारिज करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह पूरी पारदर्शिता और नियमों के साथ करेंसी मार्केट में दखल देता है। उधर रिजर्व बैंक ने अपने एक अन्य फैसले में बैंकों के लिए वैकल्पिक निवेश फंड यानी एआईएफ में निवेश के नियमों को सख्त भी किया है। सर, आईएमएफ ने क्या आरोप लगाया था और क्या इसको जिस तरीके से नकारा गया, ये ठीक है ये पूरी बात? भारत और चीन आईएमएफ की तरफ से लगातार करेंसी मैनिपुलेट करने वाले बाजारों के तौर पर चिन्हित होते हैं या पहचाने जाते हैं। आईएमएफ पूरी दुनिया में करेंसी मार्केट्स पर करीब से नजर रखता है और ये बताता है कि कौन सा देश अपने करेंसी मार्केट में कितनी दखलंदाजी करता है और किस स्तर तक वो अपनी मुद्रा की कीमतों को प्रभावित करता है। हमें याद होगा कि पूरी दुनिया में करेंसी मार्केट में इंटरनेशनल को बाजारों के हिसाब से स्वस्थ नहीं माना जाता, इसलिए दुनिया के कई सारे देशों में वहां के केंद्रीय बैंक करेंसी के प्राइसेस को आर्टिफिशियली या बाजार में दखल करके के घटाने बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। और यही बात रिजर्व बैंक ने अपने ताजे पेपर में या ताजे बयान में कही है कि भारतीय रिजर्व बैंक आईएमएफ का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बाजार में दखल देता है, हस्तक्षेप करता है, और जो हमें दिखता भी है, हम लोग लगातार अपने कार्यक्रमों में रिपोर्ट भी करते हैं। जब भी रुपए की में एक सीमा से अधिक गिरावट होती है तो डॉलर बाजार 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 में डॉलर छोड़े जाते हैं और रिजर्व बैंक की तरफ से दखल दिया जाता है और एक निश्चित स्तर तक कीमत को निर्धारित करने की कोशिश की जाती है। हालांकि आधिकारिक रूप से रिजर्व बैंक की तरफ से कभी यह नहीं कहा जाता कि वो बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, दखल कर रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से करेंसी के मार्केट में इंटरवेंशन किया जाता है। ये बात आईएमएफ की ने अपने रिपोर्ट में जो बात कही है वो थोड़ा भारत के लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण है इस समय क्योंकि भारतीय रुपए में हमने पिछले एक साल में तेज गिरावट देखी है डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बाद, और अब जब भारत ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में अपने आप को लिस्ट करने जा रहा है तो इस तरीके की टिप्पणियां भारत के बॉन्ड मार्केट के लिए फ्यूचर में निवेश के दृष्टि से थोड़ी संवेदनशील हो सकती है। रिजर्व बैंक का इसका इस मामले में बहुत पुराना रुख और स्टैंड रहा है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है, अपनी जरूरत के मुताबिक हम करेंसी की कीमत को ऊपर नीचे होने देते हैं।